उत्तर प्रदेश यानी एक्सप्रेस प्रदेश में आज दिख रही है विकास की गति, वह विकास जिससे बढ़ रही है आम जनमानस में खुशहाली। 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का रोड मैप तैयार किया। निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, रेल, वाटर, एयर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड विकास कार्य शुरू किए। इंफ्रास्ट्रक्चर के चौमुखी विकास को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए पीएम गति शक्ति कार्यक्रम से एक नई गति मिली है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में भी वरदान साबित हो रही है। माल की ढुलाई एवं यात्रियों की सुगमता के लिए 7700 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, आम जन का रैपिड रेल का सपना पूरा करने के लिए 30,000 करोड़ की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया के साथ एयर कनेक्टिविटी देने वाला 30,000 करोड़ की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा देश की रक्षा शक्ति को बढ़ाने वाले 4,000 करोड़ के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड पर चल रहा है। आज फर्क साफ है। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा और सुस्त माना जाता था, आज वह 4 नए एक्सप्रेसवे के साथ इंटर कनेक्टिविटी में अग्रणी राज्य बन गया है। सड़क, मेट्रो, एयर सभी क्षेत्रों में विकास को लक्ष्य बनाया। पूर्वांचल की छवि बदलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड के विकास की गति बढ़ाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और इसी कड़ी में अब जुड़ रहा है प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे। 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को राज्य की राजधानी के साथ साथ राष्ट्र की राजधानी से भी जोड़ेगा और रोजगार एवं स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर तेजी से विकास करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के किसानों के लिए भी सौगात साबित होगा। वह अपने कृषि उत्पाद और फसलों जैसे धान, गन्ना, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, खाद्य प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादों को पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश के सभी बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे और उनके जीवन में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। जहां पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर का सफर 12 से 14 घंटे का होता था, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे बनने से यह सफर मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने से गांव के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे का निर्माण भी कराया जाएगा, जिस पर सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित कर परियोजना के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। सड़क के बीचों बीच यूटिलिटी डक्ट का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की यूटिलिटी स्थापित करने के लिए सड़क की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज की सुविधा तथा आवश्यक जगहों पर आरओबी, छोटे बड़े पुल एवं अंडरपास का निर्माण भी कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे के आसपास इन्वेस्टमेंट पार्क, कारखाने भी स्थापित किए जाएंगे और सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही जन सुविधा केंद्रों तथा स्थानीय लोगों की सुगमता के लिए स्टैगर्ड सर्विस रोड का निर्माण भी होगा। देश की रक्षा शक्ति बढ़ाते हुए इमरजेंसी लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर में हवाई पट्टी का निर्माण भी कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कोरोना काल में भी भूमि अधिग्रहण किया गया। अब तक 94% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। पारदर्शी प्रक्रिया से अधिकांश किसानों को भुगतान भी किया गया है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का हर गांव और हर शहर देश और प्रदेश की राजधानी से जुड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सोच ईमानदार, काम दमदार।